हाँ सर, सर आपकी यस सर। नो तो सर, आप नजर नहीं आते। सर नहीं नजर आ आ रहे रहे हैं हैं छोटे से। अच्छा, आ अच्छा रहे मत सर, देख, छोटे हो गए। सुनो तू लोग मेरे को मत देख, क्वेश्चन को देखो थोड़ा सर सा। टीआई का रिकॉर्डिंग कर दीजिए। हाँ सर, दिख रहा है हाँ दिख रहा है, तो थोड़ा सा सर, टीआई रिकॉर्डिंग का कर दीजिए। क्वेश्चन। आज तो हम लोग थोड़ा क्लास, ये इवनिंग में 8 बजे हमारा नेट चालू हुआ है, तो हम सोचे कि जैसे ही चालू हुआ है तो हम सोचे कि पहले आप लोगों से बात कर ले, आप लोग अलाउ किए तो ठीक है। और कुछ दिन हम लोग दोनों टाइम अभी क्लास करेंगे, इवनिंग वाला क्लास हो सकता है ओके आप सर, लोग का लंबा होगा, और जैसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो कल के क्लास के बाद, आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ लोगों को आता भी होगा डीआई के क्वेश्चंस, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। डीआई में हम लोग को जानना क्या है वो देखना है, ठीक है। तो डीआई में जो क्वेश्चंस हम लोग को देखना है वो ज्यादा परसेंटेज बेस होगा, ठीक है, परसेंटेज बेस। परसेंटेज में सर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? ठीक हाँ सर, कर रहे हैं, है, ओके सर। हम जान रहे हैं कि अभी बहुत लोगों का नेट पैक खत्म भी हो गया होगा, लगभग खत्म के कगार पे होगा, लेकिन मैं खुद कंफर्म नहीं था कि आज चालू हो जाएगा। चालू हो गया तो मैंने तुरंत आप लोगों को मैसेज किया, और जिन लोगों को नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग तो मिलना चाहिए, फिर भी आप ध्यान दो। तो हम लोग डीआई में जैसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस होता है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में, और मैंने आप लोगों को एक मैसेज भी किया था कि आप लोग में से जिनके कांटेक्ट में जो भी हैं आप लोग उनको कॉल कर देना। कर दिए थे क्या? हेलो, हाँ सर, यस कर सर, हम दिए कर सर। दिए थे। हाँ, क्योंकि बहुत लोग, हो सकता है सब लोग तो नहीं देखते हैं ना, कि जरूरी नहीं है कि उस समय हम मोबाइल में व्हाट्सएप पे देखें ही मैसेज। तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में छोटी तीन क्वेश्चन आता, ध्यान देना। एक आता व्हाट परसेंट, और एक आता मोर परसेंट, और एक आता लेस परसेंट। तो व्हाट परसेंट, मोर परसेंट, लेस परसेंट, ये तीन क्वेश्चन। व्हाट परसेंट मतलब कितना प्रतिशत है, कोई भी चीज के लिए पूछेगा ये उसका कितना परसेंट है। अमोर परसेंट के लिए वृद्धि का प्रतिशत, बढ़ोतरी का प्रतिशत, इंक्रीज का परसेंटेज, और लेस परसेंट मीन्स कमी का परसेंट, कमी, डिक्रीज, लेस, डिक्रीज, तो ऐसा कुछ भी रह सकता है। व्हाट परसेंट जब भी रहेगा, यानी किसी भी दो को कंपेयर करेगा, जी ये उसका कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट इज दिस ऑफ दैट, इज दिस, ये किसका, उसका। तो जिसको निकालना है वो न्यूमिरेटर होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो डिनोमिनेटर होता है। यानी जहां भी ऐसा रहे तो इस वाला, यानी जो फाइंड करना है ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना वो नीचे, इनटू 100%। यानी क्वेश्चन से ही हम लोग पूछेंगे कौन, किसका, कौन है, किसका है, इनटू 100%। बार बार वो एक्स वगैरह सपोज नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जब भी हमको व्हाट परसेंट निकालना, तो क्वेश्चन पूछेंगे कौन, किसका। तो ऊपर में कौन, गर्ल्स, स्टूडेंट का कितना परसेंट, कौन, गर्ल्स, किसका, स्टूडेंट का, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कौन, गर्ल्स, तो गर्ल्स, और नीचे स्टूडेंट। बॉयज, गर्ल्स का कितना परसेंट, कौन, बॉयज, किसका, गर्ल्स का, तो ऊपर बॉयज, फिर वैसे गर्ल्स, इनटू 100%। तो कंपनी ए का प्रोडक्शन कंपनी बी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट, कौन, कंपनी ए का प्रोडक्शन, किसका, बी का, बी का, बी के प्रोडक्शन का, तो न्यूमरेटर होगा कंपनी ए का प्रोडक्शन, और डिनोमिनेटर होगा कंपनी बी का प्रोडक्शन, इनटू 100%। तो ऐसे जहां भी क्वेश्चन होगा आप ही करना। और मोर परसेंट अगर कभी आए तो मोर परसेंट मतलब क्वेश्चन में कितना मोर है, यानी सिंपल डिफरेंस दोनों का। देखो मोर और लेस जब भी होता है ना तो दो के बीच में होगा, ए बी से कितना परसेंट मोर है, या बी ए से कितना परसेंट लेस है, या तो दोनों इक्वल होगा
या एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा है कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट बड़ा है, कितना परसेंट मोर है, और जो लेस है कितना परसेंट लेस है, या कितना परसेंट की कमी हुई, कितने परसेंट की घटोतरी हुई, कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया, ऐसा क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा हो ना, तो डिफरेंस और कंपेयर जिससे करें, पहले वाला इनिशियल यानी पहले वाला इनिशियल, देखोगे जिसका नाम पहले ले रहा है, किससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो इनिशियल होगा पहले वाला। जैसे कहेगा बी ए से कितना परसेंट कम, तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, इनटू 100 तो पहले कर ही देंगे। इसको जाओ तो क्वेश्चन से ही पूछ लो, हिंदी में ही पूछ लो, कितना कम, किससे कम, इनटू 100%, कितना कम, बाई हाउ मच परसेंट लेस, कितना लेस है। जैसे कहेगा ए से बी कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो ए तो ऊपर रखेंगे, ए मत सॉरी डिफरेंस रखेंगे, दोनों का अंतर देख लो, आ किससे कम यहां लिखो, तो बी से कितना परसेंट कम है, तो नीचे बी से यानी बी का वैल्यू, सी ए से कितना परसेंट लेस है, कौन सी किससे ए से। तो जब भी क्वेश्चन से पूछ लो ना, पहले तो ऊपर डिफरेंस यानी कितना कम है, अगर मोर वाला है तो यहां भी कितना मोर है, यानी यहां भी हम लोग लिखेंगे क्या, डिफरेंस, डिफरेंस कितना डिफरेंस है, और यहां भी पहले वाला इनिशियल डाटा, इनिशियल डाटा इनटू 100%। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज याद रखना, इस तीनों में से दो क्वेश्चन रहेगा हर सेट में, पांच का या चार का सेट होगा तो उस पांच में दो क्वेश्चन परसेंटेज का रहता है, और वो परसेंटेज का इसी तीन में से फिगर कोई भी कुछ भी हो, दो क्वेश्चन रहेगा, या कितना परसेंट है, या कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, यानी क्वेश्चन से ही पूछ लेंगे हिंदी में भी, कितना कम, किससे कम, इनटू 100%। बोलो किसी को प्रॉब्लम ये तीनों में, नो सर, नो व्हाट सर, परसेंट, नो सर, या नो तो सर, व्हाट परसेंट रहेगा, नो सर, या मोर परसेंट रहेगा, या लेस परसेंट रहेगा, इस तीनों में से क्वेश्चन रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, हटाने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर, अब कह रहा है क्या, विच टू सेक्शंस हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस दो सेक्शन में सेम नंबर आया, वो आप देख करके बता सकते हो बाय विजुअल सर, इंस्पेक्शन। सर डी नंबर सर, ग्राफ, डी ऑप्शन डी, एक चीज बतला ना, ग्राफ सबको अच्छे से ऑप्शन दिख रहा है क्या सर, ए एंड एफ, यस सर, यस सर, हाँ सर दिख रहा है ए और एफ सर, और एफ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा नंबर बी, ऑप्शन बी सर, ए एंड एफ, ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन बी सर, बी ए या बी सर, बी, ब्रेवो, बी, आप देखो बी सर, थर्टी फोर है, ए कितना है 34 और एफ भी है 34, तो कहाँ कुछ करना था, देख के तो जवाब देना था, बॉम्बे, तो ए और एफ क्या होगा जी, बी, बी ऑप्शन सर, सेम नंबर, सेम मतलब नहीं जानते हो क्या, मतलब असमान, नॉट इक्वल, नहीं सर, सर समान है। अच्छा मालूम है, हमको लगा नहीं मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए टू सेक्शन सी, जल्दी बताओ फास्ट, ए और सी, देखो बहुत इजी होता है, डी आई बहुत इंपॉर्टेंट, 31 सर, ऑप्शन नंबर 31, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सर, कौन सा होगा, ऑप्शन डी, डी सर, डी सर, की भी जरूरत है,
ए कितना है जी 34 ही है यस सर और यहाँ सी तो ए तो 34 है और सी कितना है 31 अच्छा कटने वाला नहीं था इसीलिए देख करके जवाब दे दिया नहीं वेरी गुड यस अगला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 फास्ट क्लास 6 में अच्छा डायरेक्शन क्या था बार ग्राफ गिवन बिलो शोस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 सेक्शन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 सेक्शन ऑफ क्लास 6 ऑफ सर्टेन स्कूल ये क्लास 6 में 6 सेक्शंस है और उनमें स्टूडेंट्स को बतला रहा है अभी जो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 जल्दी बताओ तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 34 है दूसरे में 35 है सर 31 है डी में कितना है जी 32 है ई में कितना है 33 है एफ में कितना है 34 है सबको ऐड नहीं करेंगे क्या लास्ट में नौ आ रहा है कौन सा होगा बी या डी सर मेरा सी आ रहा है सी चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं क्या कहेगी कि सर मेरा बात ही नहीं मानते तुम्हारा भी बात मान लिए अगला क्वेश्चन percentage of student in section C out of the total student in class 6 is approximately section C total class ka kitna percent hai ye kah raha hai percentage of student section C class 6 ka approximately kitna percent hai jaldi karo fast C अभी तो आप लोग क्वेश्चन बनाए थे यानी सी इज व्हाट परसेंट किसका टोटल 15% है सर 15.57D इसको हम 30 और 20 मान के 15% ले लेंगे सर क्योंकि फिगर अलग अलग है ना सब लेकिन 16.58 भी है 16.08 भी है बहुत क्लोज है इसलिए नहीं मानना नहीं मतलब यदि 15 का ही चार ऑप्शन होता तो दिक्कत होता सर लेकिन ये 15 16 है सुन लो एक बात और बता दें जो एग्जाम देने जा रहे हो अभी वहाँ एक ऑप्शन ये भी नजर आएगा इसलिए वो रास्ता मत पकड़ो जिसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है इज इट क्लियर यस सर वेरी क्लियर सर ऑप्शन ई भी होगा उसी रास्ते चले सर ऑप्शन डी ओके You know how to solve. Question number 5 said, दिख रहा है क्या सबको पता है देखो पहला बार एक्सपेरिमेंट कर रहे मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि डीआई हम इतने अच्छे से इस पे पढ़ा सकते हैं मैंने पिछला बार ट्राई मारा था बोर्ड पे यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव दिया था प्रोजेक्टर का भी यूज किया लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा था यहाँ तो मेरे को लग रहा है मेरे फोन में बड़ा अच्छा चल रहा है हेलो यही करना पड़ा कि हमको अपने आप को छोटा कर लेना पड़ा तो क्या दिक्कत है आपके लिए कभी कभी छोटे भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है नहीं समझ में आ रहा है अरे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या यस सर फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन मिलियन टन In a state for the period 88 to 92. Read the table and answer the following questions. कल से हो सकता है ये थोड़ा लंबा क्लास होगा आज तो शुरुआत कर देना था मेरे को कि नहीं डी आई हम शुरू कर दें बट कल हो सकता है दो दो घंटे का क्लास हो इसका मेरा कोशिश यही रहेगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सर कितने बजे से होगा वो कल बात करेंगे इवनिंग में ही होगा वो एवरेज वाला क्लास तो मॉर्निंग होगा उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्या करेंगे आप लोग को थोड़ा कष्ट देंगे दोनों टाइम आना होगा थोड़ा कष्ट झेलने को तो तैयार हो गए सर ऑप्शन डी सर बना दिया ड्यूरिंग 1990 द परसेंटेज
of decrease in production of maize as against the previous year. 90 में percentage decrease, अभी मैंने बोला था decrease, difference divided by किस से, पहले वाले से, initial वाले से. तो 90 में हमको 90 का देखना है, तो 90 का पहले वाला कौन, 89 का, 89 सर. तो मेज में आ जाओ जल्दी से, देखो मेज 90 में कितना है, सब लोग फास्ट. 90 में 228 और 89 में 234. 234. 1990 में कितना था? 1990 में 228. और 1989 में कितना था? 234. Decrease percent. Yes, difference is 6 by. Difference कितना? 6 by 228. 6 by 228. क्या? 234. आंसर आप निकालो 600 को. और पता है ऐसे में काटने में जो लोग काटते हैं ना वो लोग बेवकूफ होते हैं, सीधा 600 ऐसे लिख दो 234 से, केवल जीरो से जीरो काटा करो, नहीं तो देखो तीन बार में नहीं लगेगा, देख के लग रहा है दो बार में लगेगा. 24 जा 8, 23 जा 6, 22 जा 4, लेस करो 10 से 8 घटा 2, 9 से 6 3, 5 से 4 1, अब पॉइंट होगा 0 होगा, 6 3 18, 6 2 12 और 1 13, छह बार में नहीं लगेगा. देखो ना छह बार में अगर छह से गुना कर रहे हैं, 6 4 = 24, 18 2.56 तो छह बार में नहीं लगेगा. अब देखो ध्यान से, कुछ लोग इसके बाद भी भाग देते रहते हैं कि सर भाग दे रहे ना पांच बार में, कुछ लोग का ध्यान ऑप्शन पे जा रहा है, छह बार में नहीं लगेगा, छह वाला नहीं आंसर पांच वाला होगा. बताओ सीधा डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आंसर निकल जाएगा. क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़िए. इन 1991 इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम फॉर 1991 में किस में, किस प्रोडक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज है, जल्दी देखिए. नाइनटी वन का देखना है, दैट मींस यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम 1990 से कंपेयर करो. तो 560 680 पहले वाले में देखो कितना, यहां परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए झंझट नहीं है, सिंपल डिफरेंस फाइंड करना है. 600 560 जल्दी बताओ कितना हो गया, ये 40 का अंतर है. दूसरे में राइस में देखो कितना का अंतर है, 60 का. अच्छा 89 नहीं है, 1991 है ना सर. 91 है तो 90 से सब्सट्रैक्ट करेंगे ना सर. हाँ तो 90 से कंपेयर तो पहला 120 है क्या, 120 सर. यस गुड, पहला 120. दूसरा में देखो कितना इंक्रीज है, 60 कुछ लोग तो देखे सर आप क्या कर रहे हो, घटा क्यों रहे हो, ये तो देख के लग रहा है 200 देख के लग रहा है कि 150 अप्रोक्सिमेट 150 ही सबसे ज्यादा है. सबसे हाईएस्ट डिफरेंस मेज. नेक्स्ट increase in production of other cereals was the minimum during the year. Increase in production of the cereal was minimum. कम हुआ, difference सबसे कम, तो अभी तो देखा था हम लोगों ने. अच्छा किस year में सर? 90 में. 90 में सर, 1990 में. 20 का सर. 20 का. अन्य वाला में, है ना? सर other cereal में. Other cereals में. तो 50 से 50 हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा होगा. क्लियर है? यस सर. क्लियर है? वेरी यस सर. यस सर. ड्यूरिंग 1992 परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ओवर द प्रीवियस ईयर वाज 1992 में परसेंटेज ऑफ इंक्रीज
इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट? सर 180 बाय 68 इनटू 100 सर। गेहूं के उत्पादन में 92 का मालूम है, 860 पहले वाला कितना था? 680 था। कितना बड़ा? 180। सर आपका आवाज कम आ रहा है। तो 180 बाई क्या लिखा? 680 सर। 680 into 100%। यस सर। अब यहाँ देखो कैंसिल करने का अच्छा है तरीका है, 0-0 तो कर लो। अब कुछ कर रहे कि सर हमको 4 से काटने दीजिए ना, नहीं हम 4 से नहीं काटने देंगे, बहुत काट सकते हो तो 2 से 2 9 18 और 2 से 34, लेकिन ये भी बहुत जरूरी नहीं था। सीधा 900 को 34 से डिवाइड करोगे, 0-0 से जल्दी मत काटना, भाग दो, भाग देने आपको आता है घर पे, थोड़ा डेली 5 को भाग दो तो 3 बार में लग रहा है कि नहीं लगेगा, 2 बार में 34 टू सा 10 में से 8 दो, 8 से 6 दो, 0 कितने बार में? 5 6 3 18 6 4 4 18 2 20 6 बार में 6 सर। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता नॉन ऑफ दिस तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे सर, जाएंगे सर, याद रखना नॉन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा ही, और रहेगा तो हम लोग जाएंगे एग्जैक्ट मान तक। पता है कई बार क्या करता है ना, तो सबसे लास्ट वाला को चेंज करता है और हम लोग यही मिस्टेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। फॉर स्कूली व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ मिसलेनियस इज द इनकम फ्रॉम डोनेशन? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है स्कूल में, स्कूल है ABCDE, और सोर्स ऑफ इनकम है ट्यूशन फी से, टर्म फी से, डोनेशन से, ग्रांट से, मिसलेनियस से। ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है, ई का भी है, टोटल भी है। यानी सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि हम फिगर को देखें, डायरेक्शंस को देखें, फिगर और डायरेक्शन देखने के बाद ही आगे बढ़ें। 25% सर, 25%। गजब गजब तेज हो गए। फॉर स्कूल ई व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम, ई ई ई का है और इनकम फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन कितना है जी ई में? डोनेशन है सर 15, डोनेशन 15 और मिसलेनियस 60, तो 15/60 तो 15 × 60 1/4 60% ऑफ द इनकम ऑफ मिसलेनियस इज द इनकम फ्रॉम डोनेशन। अच्छा एक चीज बताओ, कौन मीनिंग बताओ, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ मिसलेनियस इज, इनकम ऑफ मिसलेनियस इज किसका? इनकम फ्रॉम डोनेशन का। मिसलेनियस जो है डोनेशन का कितना परसेंट है वो कह रहा है? सर 400 होगा ना, ऊपर में कितना हुआ मिसलेनियस, नीचे किसका? डोनेशन का। कितना परसेंट है इनटू 100%? इज हमेशा ऊपर जाएगा ना सर, इज ऊपर ऑफ नीचे, और इज ऑफ में भी नहीं तो कॉन्सेप्ट लगाना किसका, किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना ना वो नीचे जाएगा, और जिसको फाइंड करना है ना दैट विल बी न्यूमरेटर। तो ये कितना है, एम कितना है 60 और डी कितना है 15 × 100 400%। बोलिए। यस सर। बहुत इजी है। अरे आप लोग अब तो थोड़ा क्लास कर लिए, अगर मन हो इफ यू वांट तो हम लोग कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए
दोनों टाइम डीआई ही पढ़े क्या? हाँ सर, हाँ सर, एग्री सर, ओके सर। और एवरेज का जो क्लास लिया था हम लोगों ने एक दिन का, उसके बाद रेस्ट क्लास थोड़ा 3-4 दिन का हम लोग डीआई का क्लास करके उसके बाद देखेंगे, एक अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम सर, आना तो सब है, लेकिन इस एरिया में भी हम लोग, अरे देखो तो हम बड़े हो गए क्या? यस सर, बड़े। यस सर, हाँ सर, मेरे को लग रहा तो होगा ही नहीं, हम तो छोटे ही रहे। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, छोड़ ना ग्राफ देखने का क्या, लो अब ग्राफ दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, अब ग्राफ दिख रहा है सर। चलें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फर्स्ट, व्हिच स्कूल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पूरा धुंधला आ रहा है सर, ब्लर हो गया सर। हाँ सर, यस सर, ठीक हो जाएगा। डिजिट्स नहीं दिखाई दे रहे सर बिल्कुल भी। आ गया, देखो। यस सर, अभी आ गया। हाँ सर, आ गया। क्या कर रहा? व्हिच स्कूल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी? ट्यूशन फी हाईएस्ट किस स्कूल का है? अब परसेंटेज हाईएस्ट है, जब परसेंटेज हाईएस्ट हो तो क्या करेंगे? ट्यूशन फी डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे, टोटल के हिसाब से। यस सर, तो बताओ, चार ही स्कूल का लिखा हुआ है, अगर स्कूल ए का निकालते तो स्कूल ए में कितना है जी? 200 डिवाइडेड बाय 275, ठीक है, बी में क्या इनटू 100%, और बी में क्या होगा? 150 by 225 into 100 सी का क्या होगा? 68 by 126 into 100%, और डी का क्या होगा? 90 by 135 into 100 sir. Yes sir. क्या लग रहा है देख करके, कौन होना चाहिए? मेरे को तो ये लग रहा है, ए लग रहा है सर देख के। यस सर, ए है सर। मेरे को ए लग रहा है। वैसे आपका काम है सिंपलीफाई करो, ये तो लग रहा है कि अगर 25 का टेबल याद है यही होगा सर, तो 25 × 11 तो ये लग रहा है, और 25 से ये 4, 800 को 11 से भाग देना है, 77 ऐसे करके कुछ आएगा, 73 कुछ आ रहा है। ऐसे ही बी में भी देखना है, तो जान गए कि 25 से ये कितने बार में, 10 बार में 250, 9 बार में, और ये 4 यानी 600/9 यानी 600 को 9 से डिवाइड करना है, और भी छोटा हो सकता था, 9 × 7 = 63 नहीं हो रहा, 9 × 6 = 54 छह ही बार में लग रहा है, तो आगे इसको तो देखना ही नहीं, हाईएस्ट पूछ रहा है, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो हम लोग काटने में समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा भाग दे देते, देखते हैं 7 बार में लगेगा कि नहीं, तो 12 × 7 = 84 7 बार में तो लगेगा ही नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये 9000 डिवाइडेड बाय 135 13 × 5 = 13 6 × 78 1391 7 बार में लग ही नहीं रहा है कि होगा, तो हम लोग आगे चेक क्यों करेंगे, देख करके ही लगता है, तो हाईएस्ट ए हो जाएगा सर, ए ही होगा। स्पीड बढ़ाना है, आपने देखा कि कैसे सर सारे कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे कैलकुलेशंस को अवॉइड करना है, जितना भी बैंकिंग एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम, अब तो सब जगह टीआई आ रहा है, और कोशिश मैं करूंगा कि कल मॉर्निंग में भी टीआई ही ले लूं, आप लोग जब रेडी हो तो,
और कल इवनिंग में भी डीआई ले लो और उसको डायरेक्ट लाइव कर दो। ओके सर, सीधा लाइव कर दो सबों के लिए। लाइव मतलब यूट्यूब पे सर? हाँ, यूट्यूब फेसबुक दोनों पे लाइव। ओके सर, जिसको जरूरत होगा अपना देख लेगा, दो तीन दिन का बात होगा, चाहे तो देख ले, नहीं चाहे तो नहीं देखेगा। 11 केस ऑफ हाउ मेनी स्कूल इज द इनकम बाय वे ऑफ ट्यूशन फी इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ टर्म फी। टर्म फी के 4 गुने से कम है। कितने स्कूल में ट्यूशन फी जो है टर्म फी के 4 गुने से कम है? जल्दी देखो, देख करके बोल सकते हो। टर्म फी के 4 गुने से कम है ट्यूशन फी इन हाउ मेनी स्कूल? फास्ट सर, किसी में नहीं दिख रहा सर। हाँ सर, ई में सर, एक में है सर, ई में सर, ई में है, ई में सर, ई में सर। एक की बात करें तो टर्म तो 15 है, आप 15 का 4 गुना 15 चौका 60 और ट्यूशन भी 200 है। हाँ सर, या दूसरे में 20 स्कूल में है 4 8 32 और वो 150 है, कम है कहाँ? सी में भी कम नहीं, 10 गुना 4 40 40 होगा, वो 68 है, डीम भी नहीं होगा। ई एक ही लग रहा है, सात पहले ही से ज्यादा है, 4 गुना करेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ई, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सर, बी। मुस्कान करिए सर, दिख रहे हैं क्या? सर आप नहीं दिख रहे हैं और साउंड भी नहीं आ रहा है। साउंड तो जा रहा है जी, लीव करके रिजॉइन करने को कहिए सर, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक हो गया। क्या किए थे? लीव करके दोबारा ज्वाइन कर किए थे सर। ठीक है, उसको मैसेज कर देते हैं। अब मैं जिनको दिक्कत हो रहा होगा आप वीडियो देखेंगे। 12 Which school has the lowest ratio of income by way of grant and tuition? क्वेश्चन समझ में आया? किस स्कूल का, विच स्कूल हैज द लोएस्ट रेशियो है किसका इनकम बाय वे ऑफ ग्रांट्स एंड ट्यूशन फी? तो ग्रांट और ट्यूशन फी को देख लो। ए स्कूल का तो बहुत ज्यादा लग रहा है, 219 है, 219 यानी दोनों को ऐड कर लो। ये होगा सर आंसर, ट्यूशन फी से ही ज्यादा हो जा रहा है। ग्रांट और ट्यूशन फी को ऐड करो ना, स्कूल ए में क्या हो जाएगा बताओ तो? 219 सर, ए का 219 डिवाइडेड बाय 275 और बी का क्या हो जाएगा सर? 182 बी का होगा, 150 और 32 182 यस सर डिवाइडेड बाय 225 और सी नहीं है ऑप्शन में तो डी का देख लो। डी का क्या होगा सर? 102 सर, 102 डिवाइडेड बाय 135 और ई है 65 60, 140 सर, 140 बाय 285 145 इसका आधे से भी कम है। अरे स्कूल ई में देखो तो आधा से भी कम है ना, 285 का आधा होता है 142 142 समथिंग होता। हाँ सर, और डी आधा से तो बहुत ज्यादा है, ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, तो देखो तो अगर माइंड में अगर ऐसे आ गया तो ऐसे ही ऑप्शन ई नहीं हो, ऑप्शन ए हो जाता। यस सर, ये थोड़ा इसलिए दिखा दिया कि आज जो भी आपके पास बुक्स हो, हम भी बहुत जल्दीबाजी में ये कुछ क्वेश्चन
डाले जब 8 बजे लगा कि हाँ होगा, तो हम मेरे को लगा, और आप लोगों का एडमिट कार्ड मैसेज वगैरह मैं देख रहा था व्हाट्सएप वगैरह पे कि एग्जाम का ही आ रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डीआई का ही अभी क्लास कर लेते, लेकिन डीआई का सोचे कि अभी इनिशिएट कर देते हैं, और उसके बाद आप लोग रात में कुछ डीआई के क्वेश्चंस देखोगे, और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आते हैं। मेरे को लग गया कि मैं डीआई यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, बोर्ड पे संभव नहीं था इतने अच्छे से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की विजिबिलिटी भी सही है और मैं भी अच्छे से दिख रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा भी हो जाता हूँ, छोटा भी हो जाता हूँ, गायब भी हो जाता हूँ। तो आप लोग ये पढ़ लेंगे कल, और नहीं होता तो अभी मैं सब फिर से एक बार मैसेज देता हूँ कि कल मॉर्निंग का क्लास डीआई का ही होगा, ठीक है, और लाइव कर देते हैं कल। ओके ओके सर, ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, सर सर एक, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।